तो ज़माने की सांस रुक जाए। मोहसिन, वक्त के सीने में हम भी धड़कते हैं। रेडियो जीवे पाकिस्तान के तमाम सामईन को, तमाम सुनने वालों को, जहां जहां तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, मोहसिन अहमद सलाम अर्ज करता है। उम्मीद है आप सब इस रवां दवां ज़िंदगी में खुश व खुर्रम होंगे, शादो आबाद होंगे, अपने चाहने वालों के साथ होंगे, अपनी ही फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे, खुशियां बांट रहे होंगे। और जो दोस्त खुश नहीं होंगे उनके लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। सामिने कराम, ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, एक दिन समझ आते आते गुज़र ही जाती है। हम दिल में कोई ऐसी बात ना रखें और ना ही एक दूसरे के दरमियान झगड़े तावील होने दें। अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी के हर मोड़ पर अच्छी सेहत, खुशियां और कामयाबी अता करे। उम्मीद है जनाब जहां होंगे, जिस हाल में होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा ही मानना है कि अच्छे लोगों का हाल जैसा भी हो, उनके अंदर का हाल बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा इंसान उस वक्त तक ही अच्छा बनता है जब वो अंदर से अच्छा हो, और जब इंसान अंदर से अच्छा हो जाता है ना, उसे बाहर की परवाह नहीं रहती। बाहर कुछ भी होता रहे, इंसान के अंदर का हाल हमेशा अच्छा होना चाहिए। देखिए सामिने कराम, ठीक मज़े की बात तो यह है कि इंसान का अंदर से हाल अच्छा हो, और जब इंसान अंदर से अच्छा हो जाता है ना, उसे बाहर की परवाह बिल्कुल भी नहीं रहती। जो दोस्त ड्राइव करते हुए इस टाइम प्रोग्राम दिल वालों की महफिल, दिल के अफसाने सुन रहे हैं, तो दोस्तों ड्राइव बहुत ही एहतियात से कीजिएगा, ज़िंदगी जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रात के लम्हे जबकि सकूत, खामोशी और आराम दे अंधेरे ने मुकम्मल राज कर लिया है, हमारे दिलों को फरहत पहुंचाने के लिए, तफरी पहुंचाने के लिए पेश खिदमत है दिल वालों की महफिल दिल के अफसाने। आसमान ने काला गलाफ ओढ़ लिया है और सितारे बेचैनी से चांद का इंतज़ार करने लगे हैं। अक्सर रात में जागने वालों की आंखों में इंतज़ार एक सख्त हाकिम की तरह मौजूद होता है। सामिने कराम, आंख वो महल है जहां नींद की देवी आके आराम करती है, मगर ये सख्त हाकिम इस नींद की देवी को महल के दरवाजे और पलकों पर ही रोक लेता है। तभी तो रात को जागने वालों की आंखों में हल्की सी खुमारी और किसी के आने का इंतजार होता है। दोस्तों प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आप मुझे सुनते हैं। हफ्ते में एक दिन इतवार की रात को 10 से लेके 12 बजे तक रेडियो जीवे पाकिस्तान से लाइव, दोस्तों प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस तरह सूफी शायरी हमारे दिलों को इत्मीनान देती है, इसी तरह अज़्मे जवां और जज्बे जवां रखने के लिए जदीद मौसीकी भी ज़रूरी है। फरीदा खानम की आवाज़ में खूबसूरत सा ट्राइक आप सब समातों की नज़र, सुनिए और इन्जॉय कीजिए।
मौत की हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है।